पार्ट टाइम जॉब और अकोमोडेशन, ये दो जो मेन इशू मैंने अभी नोटिस करे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैसेज भी करते हैं और कमेंट्स में भी मैंने देखा। तो अकोमोडेशन जो लोग, अगर कोई कपल आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग तो प्रेफर करते हैं कि वो घर वर लें, और स्टूडेंट अकोमोडेशन खाली स्टूडेंट्स को अलाउ करता है, ठीक है, सिंगल। तो उसके लिए क्या करना है कि आप फेसबुक ग्रुप्स में जाकर चेक कर सकते हो वहाँ पर, और लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लेस्टर की बात करूँ अगर मैं, तो मेल्टन रोड पे ऐसे बहुत सारे एजेंट भी हैं, ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, तो उनसे भी बच के रहो, अच्छे से डिटेल वगैरह वेरीफाई करो और फिर वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। और हाँ, एक ये चीज़ है कि कोई अगर आपसे बोले कि ये प्रॉपर्टी है, आप उससे मिले नहीं और ऐसे ही मैसेज करके बताया आपको ये प्रॉपर्टी, आप इतने पैसे पहले डलवा दो और फिर उसके बाद में आप कम देना है, जैसे कि 50 या 100 pound ही डलवा दो बाद में, ताकि मैं किसी और को ना दूँ, और ऐसे ऐसे कुछ बोले आपको पैसे डिपॉजिट करने का पहले प्रॉपर्टी को देखे बिना ही, तो ऐसा आप किसी को भी पेमेंट ट्रांसफ़र मत करना, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि लोग किसी और की प्रॉपर्टी के फ़ोटो दिखा के आपसे पैसे लेने की कोशिश करें। तो वो क्या करना है कि पहले प्रॉपर्टी विजिट करनी है और फिर ही आगे की प्रोसेस करनी है। अब बात करते हैं कि आपको अकोमोडेशन कैसे मिलेगा। तो जो कपल हैं उनके लिए, जो फैमिली है उनके लिए, तो लोगों को तो फेसबुक ग्रुप से या ऐसे जो लोकल, जैसे स्पेयर रूम हो गया या दूसरी जितनी भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब ये है कि महंगा तो मिलेगा आपको, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो रेटें तो बढ़ी हुई हैं, तो महंगा तो मिलेगा, लेकिन आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, अभी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अगर आप सस्ता देखोगे तो दूर भी पड़ेगा, तो वो आने जाने का टाइम और फिर वो जो किराया आप दोगे तो बराबर ही पड़ जाएगा। फिर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं प्रेफर करूँगा उनको कि आप एम्बर स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है उसके थ्रू आप बुक करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन आपको बहुत सारा टाइम बचा देता है, उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, मेरा उनके साथ में अभी एक टाई अप भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके साथ मैं ये चीज़ें उनकी प्रमोट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने खुद देखा है कि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मतलब 24 hours अगर आप उनको कभी भी कॉल करोगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग आपको हमेशा अवेलेबल होंगे, और कोई भी चीज़ होगी तो हाथों हाथ उसका समाधान करेंगे। तो एम्बर स्टूडेंट से आप बुक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कि पैसों का मत सोचो कि अभी थोड़ा महंगा है सस्ता है, क्योंकि लोगों को अकोमोडेशन ही नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास में कुछ जो मिल रहा है वही ले लो, ठीक है। बाद में जब कुछ महीनों बाद में आप सेटल डाउन हो जाओ, तो उसके बाद में आप चेंज कर सकते हो जब आपको कोई दूसरा लगे तो। तब तक के लिए आप एम्बर स्टूडेंट या फिर जो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन होते हैं वहाँ से बुक कर सकते हो, पास में रहता है, कन्वीनियंट रहता है, दोस्त बनते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनसे अपनी नेटवर्किंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। तो पार्ट टाइम का क्या है ना कि मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एजेंसीज वगैरह हैं, उन लोगों ने पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करना ही बंद कर दिया। तो वो लोग हमेशा पार्ट टाइम वाले लोगों को जब भी लेंगे तो या तो कोई सेल चल रही होगी, या फिर कोई छुट्टियां होंगी, या फिर जो कोई भी, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, बॉक्सिंग डे हो गया, या फिर क्रिसमस हो गया, तो ये सेल वगैरह चलती है तभी वो लोग हायर करते हैं, क्योंकि तब उन्हें वर्कर्स की, टेम्प्रेरी वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो एक तो जब भी ये सेल वगैरह है तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। मैं यहाँ पर कुछ आपको एजेंसीज़ के नाम वगैरह यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनके लिंक या मतलब नाम दूंगा उनके, तो आपको जाके सर्च करना है गूगल पर। अब इनमें से बहुत सारी एजेंसी जो ऐसी हैं जो कि मल्टीपल सिटीज़ में, जैसे कि कोई लेस्टर में भी है, कवेंट्री में भी है, बर्मिंगम या फिर मैनचेस्टर वगैरह, तो आप जिस सिटी में रह रहे हो आपको उस एजेंसी का नाम प्लस उस सिटी को सर्च करना है। अगर उसका एड्रेस वहाँ पर अवेलेबल होता है तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के कॉल करना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप दूसरी ब्रांच पर कॉल कर दो, जैसे कि अगर आप कवेंट्री में रह रहे हो और लेस्टर कॉल करोगे तो उससे मतलब नहीं निकलेगा, वो लोग आपको मना कर देंगे। तो आप अपनी सिटी वाली उस ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर निकालो और उनको पूछो कि मुझे काम चाहिए पार्ट टाइम, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मुझे बताओ। तो ये है दूसरा, मैं तो ये जो बता रहा हूँ ये वेयर हाउस, और ये जो दूसरे होते हैं ना, इसमें ऑफिस जॉब्स भी होती हैं, आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों को कि उन्हें अवेलेबल रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो। जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्सनल हो गया लेस्टर में, ये बहुत अच्छी एजेंसी है, जहाँ से जिनके साथ मैं भी काम करता था पहले, अभी नहीं करता हूँ, एक क्विस्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा मैक रिक्रूटमेंट है, पार्कर रोस है, और तो इन सब के मैं नाम अभी नीचे लिस्ट डाउन करूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखो कि हमेशा इंडीड पे आप ट्राई करो, कि कोई भी अगर जो जॉब पोस्ट करता है, ठीक है, जो रिसेंट पोस्टिंग होती है, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, उस पर आप अप्लाई करने की कोशिश करो। अप्लाई आपको खूब करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आपने एक दो जॉब अप्लाई करी और आपको रिस्पॉन्स आ गया, नहीं आते रिस्पॉन्स, क्योंकि वो लोग कई बार, उनको हायरिंग हो चुकी होती है जो भी है,
तो आपको वहाँ पे कम से कम जितनी मैक्सिमम जितने आप अप्लाई कर सकते हो करते रहो, क्योंकि किसी ना किसी का तो रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है। और अपनी लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपडेट रखो, वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो, मतलब अप्लाई रोज करते रहो, धड़ाधड़ अप्लाई करो, मतलब ऐसे आँख बंद करके अप्लाई करते रहो, कहीं कहीं से भी कोई भी रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाएगी, तो एक भी मौका मत छोड़ो। और फिलहाल ये जो जॉब्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई करो, ये वेयरहाउस की और ऐसी जॉब्स होंगी, तो यहाँ पे थोड़ा काम तो थोड़ा हार्ड वर्किंग ही होगा, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है। तो आपको इससे थोड़ी हेल्प हो सके इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आप ये जो कैटरिंग वाली जॉब्स के लिए अगर आप करना चाहो या फिर रेस्टोरेंट्स में करना चाहो, तो आपके आसपास जो रेस्टोरेंट्स हो उनमें जाओ और उनमें पूछो कि अगर आपको टीम मेंबर के या किसी की रिक्वायरमेंट हो तो बताओ, CV प्रिंट करवा के भी ले जा सकते हो, या फिर एक काम करो उनकी वेबसाइट्स पर जाके आप जो करियर वाला पेज है वहाँ पे से भी अप्लाई कर सकते हो, MACD, KFC वगैरह इन सब में जाके, मतलब जो होता है ना वो प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, वो लोग ऑनलाइन पे कई बार ध्यान नहीं देते, तो आप जाओगे वहाँ पे उनसे बात करोगे मैनेजर से तो वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो ट्राई यही करो कि ऑनलाइन अप्लाई करने से अच्छा रेस्टोरेंट के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जाके बात करो। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।